वही अगली खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे और गढ़वाल कमिश्नर विनोद सुमन समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सोमवार को केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग को पुनर्स्थापित करने के लिए अविलंब कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों ने पैदल यात्रा को 15 दिन भी सुचारू करने के लिए सभी संबंधित विभागों से सुझाव मांगे। साथ ही इसके लिए उन्होंने अनिवार्य पुनर्निर्माण कार्यों का एस्टीमेट भी तैयार किया। गंगोत्री से जलयात्रा लेकर आया था भगवान केदारनाथ धाम में शिवरात्रि के शुभ पुण्य पर्व पर जल अभिषेक करने के लिए आया था। और इसी बीच 31 तारीख को हम लोग छोटी लिमचोली पहुंचे, जहां पर जिस रात्रि को जिस दिन इस 31 तारीख की रात्रि को 8:30 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी, बिल्कुल निःशुल्क थी, किसी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था। तत्पश्चात वहाँ से लगातार लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कतिपय कारणों के कारण, जैसे कल भी मौसम साफ ही रहा, परसों भी मौसम साफ ही रहा, और उस कारण से हम लोग कल भी हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और आज जैसे ही मौसम खुला, हम भारतीय वायुसेना के जहाज से और आपके गुप्तकाशी जागधार में यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।